नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे शेमारू एंटरटेनमेंट के रिजल्ट्स का। देखेंगे कि इन्होंने डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया है और इनकी अर्निंग्स जो है उस पर अपना पर्सनल ओपिनियन देंगे। तो इस पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही दोस्तों, मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के अधीन होती है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आइए दोस्तों, अब हम आप लोग इसके रिज़ल्ट देखते हैं। तो मैंने डायरेक्ट BSE की वेबसाइट से इसका रिज़ल्ट निकाला, ये करीब 5:30 बजे आया है। तो आइए अब हम लोग साथ में इनके रिजल्ट्स को एक बार देखते हैं। डिविडेंड को मैं साथ में पढ़ता चल रहा हूँ कि कोई डिविडेंड तो ऐसा मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा है कि इन्होंने दिया है। तो ये मैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखूंगा जिसमें ये सारी कंपनीज इंक्लूडेड रहेंगी। आइए दोस्तों, हम इनके रिजल्ट्स को देखते हैं। तो ये देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस में इनके रेवेन्यू साफ साफ दिख रहे हैं कि गिर गए हैं। सारे फिगर्स लैक्स में हैं। 51 हज़ार लाख से 31 हज़ार लाख हो गया है। और अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यूज़ इनके गिर रहे हैं, एक्सपेंसेस भी रेवेन्यूज़ गिर रहे हैं। थोड़ा सा कोविड का काफ़ी इम्पैक्ट है, तो इस वजह से इन्होंने अपने एक्सपेंसेस भी कम किए हैं पिछले क्वार्टर में। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि पिछले क्वार्टर में ये थोड़ा लॉस में थे और इस क्वार्टर में इनमें प्रॉफिटेबिलिटी हमें दिख रही है। यहाँ अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे आफ्टर टैक्स, सबकी यार 183 लाख की प्रॉफिट हुई है, जबकि पिछले क्वार्टर में 170 लाख का नुकसान हुआ था। लेकिन आप अगर पूरे साल का देखेंगे तो अब की बार ये 2100 लाख का नुकसान है और पिछली बार बल्कि 3000 लाख का प्रॉफिट था। तो ओवरऑल दोस्तों, एंटरटेनमेंट कंपनी है तो ऐसा नहीं है कि इनको लॉकडाउन कोविड के से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। बट क्योंकि जो हमारा आप कह सकते हैं कि OTT और इन सब में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, तो उसके आगे शेमारू उतना टिक नहीं पा रहा है इनका जो बिज़नेस मॉडल है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स को मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। मेरे नज़र में तो रिजल्ट्स इनके अच्छे नहीं हैं और स्टॉक हो सकता है जो रिसेंट में उसने तेज़ी दिखाई है तो इसमें हो सकता है हमें गिरावट देखने को इस पर मिले। आइए अब हम इसके स्टॉक को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक ठाक कंपनी है, बट रिसेंट में स्टॉक में 100 से 170-180 रुपये तक चला गया था और अब देखिए काफ़ी करेक्शन इसमें आ रहा है और रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो मुझे लग रहा है ये करेक्शन और हो सकता है कंटिन्यू हो। बट अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो फिर आप 122 रुपये के स्टॉप लॉस के संग इस पर पोजीशन बनाइएगा। यहाँ पर टारगेट जो दोस्तों हमारे रहेंगे वो 150 और फिर 170 तक के टारगेट्स के लिए हम एम करेंगे इसमें। इसमें मैं एक बार बॉलिंगर बैंड लगाना चाहूँगा। तो देखिए, बॉलिंगर बैंड भी करीब करीब स्टॉप लॉस बता रहा है कि आपको 122 के ही आसपास लगाना है अगर आप प्रेजेंट पोजीशन पे ले रहे हैं तो। और एक बार दोस्तों मैं इसमें 50 डे का मूविंग एवरेज भी देखना चाहूँगा। दोस्तों अगर मैं 50 डे के मूविंग एवरेज की बात करूँ तो वो तो देखिए बहुत नीचे है, तो कोई इससे हमारा एनालिसिस नहीं हो रही है। 20 डे का मूविंग एवरेज, बहुत लोग 20 डे के मूविंग एवरेज को भी स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, तो वहाँ भी 122 का ही आसपास आ रहा है। तो इस स्टॉक को दोस्तों आप बाई एट अगर CMP करते हैं तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए ये 122 का, क्योंकि स्टॉक हो सकता है और नीचे गिरे और टारगेट स्टॉक है वो 150 और 170 के होंगे। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस शेमारू को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।